क्या आपने कभी तिरंगा पिज्जा खाया है? तो आज है इंडिपेंडेंस डे और आज हम इस स्पेशल डे पर बनाने वाले हैं तिरंगा पिज्जा और देखते हैं क्या ये हमसे बन पाता है या नहीं। तो तिरंगा पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं वेजिटेबल्स का, जिसके लिए हम ऊपर की साइड में टमाटो का यूज करते हैं जो हमें हल्का ऑरेंज कलर देता है, एंड वही बीच में हम यूज करते हैं मशरूम का जो हमें देता है व्हाइट कलर, और इसके नीचे हम यूज करते हैं कैप्सिकम का जो हमें ग्रीन कलर देता है। अभी हमारा तिरंगा पिज्जा रेडी हो चुका था, लेकिन अब बारी थी इसको कुक करने की और देखना था क्या ये कुक होने बाद भी तिरंगा जैसा दिखता है या नहीं। लेकिन कुक होने के बाद इसमें तिरंगे वाली फीलिंग नहीं आती, जिसको देख के हम थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। लेकिन अभी हम अपनाते हैं अपना सेकंड ऑप्शन, जिसमें कि हम इस तिरंगे पिज्जा को सिर्फ सोसेज से बनाने वाले हैं। तो सोसेज का पिज्जा बनाने में हमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन फाइनली पिज्जा बनने के बाद ये हमें एकदम से तिरंगे की तरह दिखता है, जिसको देखने के बाद हम काफी खुश हो जाते हैं। और अब इसके बाद इंडिया से प्यार करने वाले कमेंट में जय हिंद लिख दें।